नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं आपका दोस्त एस्ट्रो कमल आपका स्वागत करता हूं आपके दोनों चैनलों में, एस्ट्रो कमल और आलौकिक साधनाओं में। दोस्तों, आज मैं साधनाओं से संबंधित एक विशेष बात पर बात करने आपके साथ आया हूं। दोस्तों, ये बात इतनी जरूरी है, इसे समझ लेना आपके लिए आवश्यक है, क्योंकि यदि आप साधनाएं करते हैं तो इस बात की जानकारी आपको होनी चाहिए, वरना आपकी साधना असफल हो सकती है, मुसीबत हो सकती है। क्यों किया जाता है, क्या किया जाता है, उस पर थोड़ी चर्चा करें। दोस्तों, जब भी हम साधना करते हैं तो साधना में सुरक्षा घेरा का जिक्र आता है। सुरक्षा घेरा लगाना चाहिए, नहीं लगाना चाहिए, नहीं लगाना चाहिए तो क्यों नहीं लगाना चाहिए, लगाना चाहिए तो क्यों लगाना चाहिए, ये इतनी इंपॉर्टेंट, इतनी महत्वपूर्ण बात है कि मैं उदाहरण सहित, प्रत्यक्ष उदाहरण सहित इस बात को आज आपको बताऊं। अब चलते हैं सबसे पहले उदाहरण पर। मेरे गुरु भाई भूर सिंह जी तोमर धौलपुर, वहां से एक उदाहरण लेते हैं। भूर सिंह जी तोमर एक अच्छे साधक, एक अच्छे तांत्रिक, उच्च कोटि के तांत्रिक, जिन्होंने शमशान में रहकर के बहुत गजब की साधनाएं की। उनका एक मित्र जो बाजार से सामान मंगाने में, घर बैठा बाजार से सामान मंगाने में, कोई भी चीज बाजार से मंगा लेगा, पैसा देना पड़ता है, पैसा तो वापस जितने का सामान है उतने का, उतना पैसा आपके जेब से अपने आप ही निकल जाएगा, और पैसा आपके पास होना चाहिए, आप बाजार से कोई भी सामान मंगा सकते हो। उनका मित्र इस चीज में माहिर था। ये मैं क्यों बता रहा हूं, ये जरूरी इसलिए बता रहा हूं। उन्होंने शमशान जगाने की एक साधना की, शमशान जगाने की साधना की। शमशान में बैठे, रात का समय था, वो शमशान को जगा करके बहुत सारे प्रेतों को, भूतों को शांत करके अपना मित्र बना करके उनसे काम लेना चाहते हैं। ठीक है, तो एक बड़ा सा सुरक्षा घेरा बना लिया और कई प्रकार के सामान ले गए, मिठाइयां ले गए, फल ले गए, किशमिश ले गए, काजू ले गए, बादाम ले गए, जो कुछ भी सामान होता है, खाने का ले गए, पीने का ले गए, सब ले गए। सुरक्षा घेरे के भीतर बैठे हैं दोनों, साधना कर रहे हैं। साधना करते करते अब वो भूत प्रेत आना शुरू हुए। अब उन भूत प्रेतों को कोई मांगता है बादाम तो ये बादाम पकड़ दे खा, कोई मांगता है कुछ तो ले, कोई मिर्च मांगता है तो उसको मिर्च देते हैं, कोई सब्जी मांगता है तो सब्जी ले ले, कोई रोटी मांगता है तो रोटी ले ले। वो काफी सामान लेके गए थे और बहुत बड़ा सा सुरक्षा घेरा बनाया था। उस शमशान में एक छकड़ी पड़ी थी, छकड़ी समझे ना, ये मतलब जैसे किसी की चिताएं जलाने के लिए वो जो रहट होती है, छकड़ी होती है ना, छकड़ी जो जिसमें नारे वगैरह या गधे वगैरह लगा करके उसको सामान ढोया जाता है, वो टूट टाट गई थी। तो किसी ने बोला कि ये और तो कहीं काम नहीं आएगी, हमारे तो कोई चूल्हा चक्की है नहीं, तो शमशान में दे दो। तो शमशान में दे दी, कोई चिता जलाएगा तो उसमें काम आएगी। वो रहट, टूटी हुई रहट वहां पड़ी थी। अब वो साधना कर रहे हैं, साधना करते करते सारे प्रेत खुश हो गए, चले गए, उनको आशीर्वाद देके गए कि किसी भी प्रेत का कोई भी कभी काम पड़ेगा तो आप आह्वान मात्र से प्रेत आ जाएंगे, उनका काम करेंगे। लेकिन एक प्रेत वही खड़ा रहा, वो महाप्रेत था, उन सब प्रेतों का सरदार था, और वो ऐसे हाथ बांध करके खड़ा उनको टकर टकर करके देख रहा था। तो जो उनके मित्र थे उन्होंने कहा कि आपको क्या चाहिए। बोले नमक, मैं नमक खाता। अब समस्या ये हो गई कि नमक तो है नहीं, नमक तो लाए ही नहीं, नमक लाना भूल गए। अब वो बोलता है कि नमक दो। नमक कहां से दे, नमक है ही नहीं। तो उन्होंने क्या किया भूत ने, उसने कहा कि देखो मैं तो तुम्हारे सुरक्षा घेरे के अंदर आ नहीं सकता, लेकिन ये छकड़ी तो आ सकती है। उसने छकड़ी उठा ली, छकड़ी उठा के बोला अब दोनों को मार डालूंगा, दोनों को छकड़ी फेंकता हूं। उन्होंने कहा रुको 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 भाई साहब, रुको रुको रुको। भूर सिंह जी ने कहा रुको रुको बैठो बैठो। बोले क्या, एक मिनट रखो तो सही छकड़ी। उन्होंने सोचा छकड़ी फेंक दी ना तो आज तो कुछ उम्र निकल जाएगा, दोनों का राम नाम सत्य एक साथ, अब ये तो आप समस्या में फंस गए। तो उसको क्या है, उसका उनका जो दोस्त था भूर सिंह जी का, उसके पास ये विद्या थी कि वो बाजार से कोई भी सामान मंगा सकता है, तो ये विद्या यहाँ काम आ गई। उन्होंने बाजार से नमक की थैली मंगाई, नमक की थैली मंगा कर ऐसे किया तो जैसे वो भूत ने हाथ डाला वैसे ही उन्होंने वापस हाथ खींच लिया, तो भूत और गर्म हो गया और गुस्सा करने लगा। तो भूर सिंह ने कहा नहीं नहीं देखो गुस्सा मत करो, ये डर गए थे थोड़ा कि आप कहीं हाथ इनका पकड़ करके खींच लोगे नहीं। बोला नहीं मुझे हाथ से कोई मतलब नहीं है, नमक दो। तो उन्होंने नमक की थैली को ऐसे फेंका तो उसने थैली को पकड़ लिया, फाड़ थैली को नमक खाया। बोला अब मैं तुम तो खुश हूं, लेकिन मुझे खुश करने के लिए ये इतना सा काम पर्याप्त नहीं है,
अब तुमको तालाब के किनारे बैठ करके और एक साधना विशेष बताऊं, वो साधना करनी पड़ेगी, तब मैं पूरी तरह से अपनी शक्तियां तुमको दे सकता हूं। अब मैं आज से तुम्हारा दोस्त बन गया, अब तुम तालाब के किनारे बैठ करके साधना करो। बात को समझना। अब भूर सिंह जी उनके साथ हैं, भूर सिंह जी दूर बैठे हैं, साधना तो उनको करनी थी, मित्र को करनी थी, भूर सिंह जी तो खाली सहयोगी के रूप में गए थे। तो भूर सिंह जी ने क्या किया, दूर बैठे हैं, अब वो देख रहे हैं इस चीज को, और उनका दोस्त है वो बिना सुरक्षा घेरा लगाए वहां बैठा, तालाब के किनारे बैठा, वो तो सोच रहे अब तो मेरे दोस्त है, अब क्या सुरक्षा घेरा लगाना, किससे लगाना। तो सुरक्षा घेरा लगाया नहीं और बिना सुरक्षा घेरे लगाए साधना शुरू कर दी। वो भूत वहां प्रकट हुआ, महाप्रेत प्रकट हुआ, उनको उठा उठा के पटका और जम के पीटा उनको। वो बोले पीट क्यों रहे हो यार, तुम तो मेरे दोस्त बन गए। बोले तुमने सुरक्षा घेरा क्यों नहीं लगाया। बोले सुरक्षा घेरा की क्या जरूरत पड़गी, तुम तो मेरे दोस्त हो। बोले दोस्त होने से क्या होता है, सुरक्षा घेरा क्यों नहीं लगाया। अब आगे बता नहीं रहा क्यों नहीं लगाया, लेकिन मैं आपको बताऊंगा क्यों नहीं लगाया, क्यों ऐसा बोल रहा था। वो बोल रहा है सुरक्षा घेरा क्यों नहीं लगाया, एक ही बात की रट उसने पकड़ रखी, सुरक्षा घेरा क्यों नहीं लगाया। कभी इधर थप्पड़ मारता है, कभी उधर थप्पड़ मारता है, कभी ये डुक पिलाता है, कभी ये घुसम पिलाता है, उनके तो फुटबॉल बना के रख दिया। अब वो बेचारे मरे खपे से अपने घर गए और कई दिनों तक मालिश वालिश करवानी पड़ी। ये एक उदाहरण। दूसरा उदाहरण बुलंदशहर से मेरे बुजुर्ग मित्र जयपाल सिंह जी, जय सिंह जी, उनका देखा हुआ एक उदाहरण, एक शकुंतला की साधना है। एक लड़का था जो उनके गुरुजी से, भाई शकुंतला की साधना उन्होंने मुझे भी दी और शकुंतला की साधना उनके गुरुजी से किसी और शिष्य ने भी ली। तो शकुंतला की साधना वो लड़का कर रहा था, तो उसने सब काम तो ठीक कर लिया लेकिन सुरक्षा घेरा नहीं लगाया, सुरक्षा घेरा नहीं लगाया। तो शकुंतला आई, वो जो शक्ति है वो शक्ति वहां प्रकट हुई। प्रकट होकर के उसने अपनी उंगली के इशारे से उसको, जिससे उंगली के इशारे से उनका उसका पूरा शरीर चलता है, उंगली ऐसे की पूरा शरीर उड़ा, वहां से जाकर के इस दीवार से बछेड़ खाया, कभी उस दीवार से बछेड़ खाया, कभी ऐसे फुटबॉल बनाती है नीचे गिराती है। वो बोलता तुम ऐसा क्यों कर रही हो। बोले सुरक्षा घेरा क्यों नहीं लगाया। अरे बोले सुरक्षा घेरा नहीं लगाया, गलती होगी आइंदा लगा लोगा। बोले नहीं आज क्यों नहीं लगाया। अब उसका ऐसा हालत खराब किया उसने कि उसको भी कई दिन तक मालिश करवानी पड़ी और आगे उसने साधना नहीं की, वहीं रोक दी। अब मैं बताऊं सुरक्षा घेरा, कई लोग ऐसे हैं, हमारे एक मित्र हैं कमला प्रसाद जी निखिल वाराणसी से, वो कोई भी साधना करते हैं तो वो कहते हैं कमल जी मैं तो सुरक्षा घेरा लगाता ही नहीं। अब आज तक उनकी एक भी साधना सफल नहीं हुई है, उन्होंने कई साधना की, साधना सफल नहीं हुई। मुझे पता है क्यों नहीं हुई, सुरक्षा घेरा लगाता नहीं हूं। वो हमारे एक डायलॉग मारते हैं। ये हमारे गुरु जी हैं कुशलनाथ जी महाराज, कुशलनाथ जी महाराज से एक दिन बात हो रही थी, तो उन सुरक्षा घेरा पर जब बात हुई, तो आज मैं रहस्य आपके सामने प्रकट करता हूं कि सुरक्षा घेरा लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। अगर आपके पास क्षमता है, कुशलनाथ जी महाराज कहते हैं कि कमल जी मैं दुनिया की भयंकर से भयंकर साधना कर सकता हूं बिना सुरक्षा घेरा के। मैंने कहा आप साधना तो कर सकते हो लेकिन सुरक्षा घेरा तो फिर भी लगाना पड़ेगा। बोले फिर क्यों लगाना पड़ेगा। तब उनसे बातचीत हो रही, यही बात मैं आपको बता रहा हूं। देखिए यदि आपने किसी शक्ति को सिद्ध कर लिया, जैसे मान लो मैंने हनुमान जी का दर्शन कर लिया, उनका आशीर्वाद प्राप्त कर लिया, अब मुझे किसी सुरक्षा घेरा की जरूरत नहीं है, मेरा सुरक्षा घेरा वही है। मैंने गुरु मंत्र की साधना कर ली, गुरु मंत्र को जागृत कर लिया, सिद्ध कर लिया, खड़ा कर लिया, मेरे अणु अणु में गुरु मंत्र दौड़ने लग गया, मुझे किसी सुरक्षा घेरा की जरूरत नहीं। मैं शमशान में बैठ सकता हूँ, कब्रिस्तान में बैठ सकता हूँ, मुर्दे की छाती पर बैठ सकता हूँ, सब साधना कर सकता हूँ, शिव साधना कर सकता हूँ, शमशान साधना कर सकता हूँ, सैया साधना कर सकता हूँ, कोई भी साधना कर सकता हूँ, अष्ट बैताल की साधना कर सकता हूँ, अष्ट भैरव की कर सकता हूँ, दुनिया की भारी से भारी साधना, पंचमुंडी साधना कर सकता हूँ बिना सुरक्षा घेरा। लेकिन साधना होगी नहीं होगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। पूछो क्यों नहीं है, इसलिए नहीं है कि सुरक्षा घेरा को आप मानते हो कि आप अपने लिए लगा रहे हो, लेकिन ये पूरी तरह सत्य नहीं है। सुरक्षा घेरा साधक अपने लिए नहीं लगाता खाली, सुरक्षा घेरा साधक अपने लिए नहीं लगाता खाली, सुरक्षा घेरा इसलिए लगाता है, सुरक्षा घेरा इसलिए जरूरी बनता है कि आपको सुरक्षा घेरा की जरूरत हो या नहीं हो। जो शक्ति आपके पास आती है, एक वीडियो में एक भाई साहब बता रहे थे कि ये जो कोई दो बूंद इत्र की डालो और इससे शक्ति आ जाएगी, और ये शक्ति है ना, आप सुरक्षा घेरा लगा करके बैठोगे तो आपको दर्शन नहीं देगी, और अगर आप सुरक्षा घेरा नहीं लगाते हो ना, किसी प्रकार का कवच वगैरह सुरक्षा घेरा नहीं लगाते हो, तो ये भूतनी ये पिशाचनी आपको दर्शन दे जाएगी। मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूँ कि अगर आप सुरक्षा घेरा नहीं लगाओगे तो कोई भी शक्ति दर्शन नहीं देगी, सवाल ही नहीं उठता दर्शन देने का।
यदि कोई बड़ी शक्ति नहीं है तो, जैसे कोई ब्रह्मा विष्णु महेश इंद्र किसी भारी देवता की तपस्या कर रहे हैं तो सुरक्षा वगैरह की आवश्यकता नहीं, तो कोई जरूरत नहीं, उनको कोई रोक नहीं सकता। कारण क्या है, जब आप सुरक्षा वगैरह लगाते हो, सुरक्षा वगैरह आप अपने लिए ही नहीं लगाते हो, आप सामने वाली शक्ति के लिए भी लगाते हो। क्या है कि हर शक्ति के ऊपर एक शक्ति होती है। हमारे एक दोस्त है मुरैना के, संतोष जी मुरैना, उन्होंने एक साधना की काल पिशाच की साधना की। उस काल पिशाच से उन्होंने पैसे वैसे मांगे तो उन्होंने पैसे वैसे दिए नहीं, बोले बकवासबाजी कम से नहीं होती पैसे वैसे देने की, तुमको कोई शॉर्ट में कोई छोटी मोटी चीज की आवश्यकता हो तो बड़े, तुमने हमको बड़ा भाई कहा है इसलिए तुम्हारी छोटी मोटी आवश्यकताएं पूरी कर देंगे, लेकिन ये पैसा वैसा हमसे मत मांगा करो, बैंक से लाओ वहां से लाओ ऐसा मत किया करो हमारे साथ। बोले क्यों यार, आप तो सब सक्षम हो। बोले अरे भाई हम सक्षम है लेकिन हमारे ऊपर भी शक्तियां होती है, हम अकेले नहीं है। मैं पिशाच हूं तो मैं एक अकेला पिशाच नहीं हूं, हम पिशाचों के ऊपर भी कोई शक्ति होती है, उनका भी आदेश लेना पड़ता है हमको। वो क्या कहेंगे, तुम्हारे पिताजी का थोड़ी है पैसा, तो बैंक का पैसा कैसे ले जाके दे दिया, ये तो हजारों लोगों का पैसा है, तुमने कैसे ले जाके उसको दे दिया। तो ये नहीं कर सकते हम। हर शक्ति के ऊपर एक शक्ति होती है, हर छोटी शक्ति के ऊपर एक शक्ति होती है। जो तामसिक शक्तियों की जो अपन बात करते हैं, जैसे काली की साधना करते हैं तो एक अलग बात है, या भैरव की साधना करते हैं, या हनुमान जी की साधना करते हैं तो एक अलग बात है। इसमें सुरक्षा वगैरह की आवश्यकता पड़ती है नहीं पड़ती है वो दूसरी बात है, उनको कोई रोक नहीं सकता। लेकिन आप पिशाच की साधना कर रहे हो, बेताल की कर रहे हो, भूत की कर रहे हो, छोटी साधना कर रहे हो, शुद्र साधना कोई भी कर रहे हो ना, तो आपको सुरक्षा वगैरह इसलिए लगाना पड़ता है कि आपका जो सुरक्षा वगैरह है उसके अंदर खाली वो शक्ति ही प्रवेश कर सकती है जिस शक्ति को आपने निमंत्रण दिया, और कोई प्रवेश नहीं कर सकता। लेकिन सुरक्षा वगैरह नहीं होगा तो क्या होगा, नहीं होगा तो क्या होगा कि जो शक्ति आप बुला रहे हो उस शक्ति को रोकने वाली शक्तियां भी कहीं है, वो आ जाएगी उसके जगह। आप बुला तो किसी और को रहे हो, आ जाएगी वो। आप भोग किसी और को दे रहे हो, भोग ले लेगा कोई और, उन तक भोग जाएगा ही नहीं, उन तक बात ही नहीं पहुंचेगी, उनको तो पहले ही रोक दिया गया है, क्योंकि है तो शुद्र शक्तियां ना, उनके ऊपर शक्तियां है ना कोई, तो ऐसी बाधा करने वाली, बाधा पैदा करने वाली, उनको रोकने वाली भी शक्ति है, वो उनको रोक देगी। इसलिए वो शक्ति नाराज होती है कि तुमने सुरक्षा घेरा क्यों नहीं लगाया। सुरक्षा घेरा लगाने के बाद में आप जिसका आह्वान करोगे सिर्फ वही शक्ति आएगी, और कोई शक्ति नहीं आएगी, इसलिए सुरक्षा घेरा अनिवार्य बनता है। तो आज ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा शायद कि सुरक्षा घेरा लगाना कितना आवश्यक है, और सुरक्षा घेरा खाली आपके लिए ही नहीं शक्तियों के लिए भी लगता है। जय श्री कृष्ण दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और पहली बार हमारे चैनल पर आए चैनल को सब्सक्राइब करना, पास में जो बेल आइकॉन का बटन दबा देना ताकि हमारे ज्ञानवर्धक जानकारी पूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्ण दोस्तों।